हेलो, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग गाइस. तो आज है हमारा गोवा ट्रिप का दूसरा दिन. और अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले सो के उठा था, प्रज्वल लेने आया था रूम पे. रात को बहुत लेट सोए हम, 3:30 बजे करीबन सोए हैं. और सुबह मैं अभी 9:30-10 बजे उठ गया था. अभी जस्ट पहले उठा और ब्रश वगैरह किया, फिर ब्रेकफास्ट करके आए क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे नीचे. तो ब्रेकफास्ट करके आए और अभी होना है मुझे रेडी, नहाना है पहले अब और रेडी होना है. और आज का प्लान कुछ ऐसा है हमारा. आज है हमारा ट्रिप का दूसरा दिन है, बट गोवा में हमारा आज कह सकते हो घूमने का पहला दिन है. आज एक्सप्लोर करने का फर्स्ट डे हमारा गोवा में, हमारा घूमने का. तो अभी जाएंगे हम घूमने, पहले साउथ गोवा जा रहे हैं. हमें तो कुछ आइडिया नहीं है, पर हमारे ग्रुप में 2-3 लोग हैं जिन्हें पता है कि हम जो पहले यहाँ आ चुके हैं 1-2 बार, तो वही लेके जाएंगे. स्कूटी हायर करेंगे हम अपने, रेंट पे लेंगे स्कूटी, जो कि जैसे ऋषिकेश वाला सीन है. 300-400 रुपये स्कूटी मिल जाएगी, तो उसको लेके जाएंगे. स्कूटी लेके साउथ गोवा जाएंगे. फिर अभी आगे का प्लान मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे खुद नहीं पता. हम बस अभी ब्रेकफास्ट करके आए, सब लोग आगे ब्रेकफास्ट करके. मैं अभी रेडी होने आया हूँ, नहाऊंगा फिर रेडी हो जाऊँगा. तो बाकी लोग भी सब रेडी हो गए हैं, सिर्फ प्रज्वल और मैं बाकी हैं. हम नहाएंगे अभी और रेडी होंगे, फिर हम निकलेंगे साउथ गोवा के लिए. लेट्स एक्सप्लोर गाइस, आज एक्सप्लोर करते हैं गोवा को साथ में, मजे लेते हैं, पूरा घूमते हैं, देखते हैं क्या है गोवा में, कैसा है. जितना हो सकता है उतना एक्सप्लोर करेंगे आज. और फिलहाल मैं नहा के हम रेडी होके निकलते हैं यहाँ से, रूम से, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, करीबन 11:11 बजने वाले हैं. सो गाइस, तुम्हारा भाई जस्ट अभी नहा के आया है. अरे देखो मैंने क्या पहना है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या पहना है, मेरे पे कैसा आ रहा है देखो. मैं कैसा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप कराटे सीखने जाऊंगा भाई, खतरनाक. ये अरे भाई इतना ढीला यार. हेलो गाइस, तो भाई सीन ऐसा है, मैं अभी आया हूँ जस्ट नहा के. और यार डिसाइड कर रहा हूँ क्या कपड़े पहनूँ, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा कुछ, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना. तो मैंने एक डिसाइड किया है जो मैं पहन के जा रहा हूँ भाई, एक जीन्स, और दिखाता हूँ आप लोगों को, बताना कैसी लग रही है. एक ये सैंडो पहन के जा रहा हूँ मैं, और एक ये शर्ट पहनूंगा. और ना यहाँ पे कुछ मेरे कपड़े यहाँ पे रखे हुए, और सोच रहा हूँ एक जीन्स पहन लूँ यार, मेरी फेवरेट जीन्स जो मैं हमेशा पहनता हूँ. सोच रहा हूँ ये वाली जीन्स ये पहना जाए, ये सारी चीज़ पहना जाए, तो ये डिसाइड किया है मैंने अभी. फिर निकलते हैं, तो क्योंकि बाकी सारे लोग वेट कर रहे हैं. तो अभी तुम्हारा भाई जस्ट रेडी हो रहा है, पहन के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे लग रहा है. तो फिर फटाफट से रेडी होता हूँ. तो कैसे लग रहा है तुम्हारा भाई? तो ये तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है अभी, एकदम मतलब फिट शर्ट पहन के. बताओ, कमेंट बताना कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, ठीक है? तो ये मैंने शर्ट डाली है, शैंडो डाली है, एक वाइट कलर की, एक जीन्स पहनी है, और नीचे से स्लीपर पहनूंगा. और ठीक है, ये रेडी हो चुका हूँ मैं अभी, और हम निकलते हैं फटाफट से नीचे, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं वेट. ठीक है इस, तो कुछ कुछ चेंज किया भाई यार मैंने, कुछ कुछ चेंज किया मैंने. नीचे से पैंट चेंज करी है क्योंकि पैंट इतनी सही लग रही थी मुझे, तो मैंने कुछ चेंज किया. ये मैंने चेंज किया है, तो अब निकलते हैं रूम से. बाय बाय, मिलते हैं ऑन रोड, लव यू गाइस. अब निकले भाई हम, करीबन आधा घंटा हमें ऐसे रूम में वेस्ट कर लिया हमने, रेडी होने में, चेंज करने में, कैमरा रखने में, सब कुछ करने में. गाइस तो हम निकल रहे हैं यहाँ से अभी, हमारी स्कूटी भी आ चुकी है जो हमने हायर करी थी. हेलमेट मिला है भाई, पूरा ऋषिकेश वाला सिस्टम है. गाड़ी यहाँ पे खाली मिलती है, बगल में 100 मीटर आए और पेट्रोल भरवाना सबसे पहले, तो टैंक फुल करवाएंगे अभी. ये स्कूटी मिली है मुझे भाई, स्कूटी तो मैं बहुत कम राइड करता हूँ, और आज स्कूटी राइड करनी पड़ रही है. ये मुकुल, ये प्रज्वल, और ये आपका भाई. ये ब्रो चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाए फासले गाइस. तो आई लोग पहुंच चुके हैं हम अभी यहाँ पे. कौन सा वाटरफॉल है यार,
पता नहीं क्या नाम है वाटरफॉल का, वे टू वाटरफॉल लिखा हूँ वहाँ पे। तो मुकुल और मैं प्रज्वल तो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और हेलमेट पहन के खुजली होने लगी सर में यार। ठीक है पानी तो फटाफट से पहले वाटरफॉल निकलते हैं गाइस। तो फर्स्ट आज का एक्सप्लोर हम यहीं से कर रहे हैं, हम जा रहे थे पहले साउथ गोवा, मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं, कहाँ ये लेके आए हमें साउथ गोवा बोल के, पता नहीं कहाँ ले गए हम। उत्तराखंड से हैं, इन लोगों को पता नहीं हम उत्तराखंड से हैं भाई। वाटरफॉल ही वाटरफॉल है, यहाँ आके वाटरफॉल ढूंढ रहे हैं यार हम, बताओ। ये तो बड़ी भयंकर चीज है यार, पकड़ो बैग, पकड़ भाई 2 मिनट। ठीक है तो ऐसे कहाँ नहीं आके, तो फिलहाल हम वाटरफॉल जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं ये कहाँ लेके जाते हैं हमें, है ना। तो निकलते हैं। तो इस वाटरफॉल का नाम है हारवलम वाटरफॉल, जहाँ हम अभी आए हैं। हारवलम वाटरफॉल नाम है इसका, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। बट वाटरफॉल है यार ऋषिकेश में, बहुत वाटरफॉल देखे हमने, कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। गोवा है तो बीचेस वगैरह देखते हैं, कुछ कुछ नया हो गोवा में तो बढ़िया मज़ा है। वाटरफॉल तो बहुत देखे हैं, तो यहीं से स्टार्ट करिए हमने वाटरफॉल से, बाकी अगला देखते हैं कहाँ चलते हैं। यहाँ से फटाफट निकलते हैं वाटरफॉल से, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा बोरिंग होने लगी। अभी देखो ये है वाटरफॉल अपना, वाटरफॉल लेके आए गोवा में, और इसी के इसमें इतने वाटरफॉल छोड़े हैं, यहाँ आके वाटरफॉल में जा रहे हैं। और 10-15 मिनट हो गए, आगे का प्लान नहीं किया है अभी, कुछ नहीं पता। कैब करनी चाहिए थी, और कैब वाला हमें सारा घुमाया था। तो अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है, क्या करते हैं। यहाँ तो कुछ बैठे हैं, खाना कुछ खाने वगैरह, भुट्टे वगैरह खा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। Thanks bro. Thanks for this. Okay guys, तो यहाँ से वाटरफॉल देख के जा रहे हैं वापसी अभी भाई लोग। और वाटरफॉल तो क्या ही था, हमारे लिए तो सब बढ़िया ही है, नई जगह है तो मतलब हर जगह का अपना अलग एक्सपीरियंस है यार। और यहाँ भी वाटरफॉल था तो उसका अलग एक्सपीरियंस है। तो फिलहाल अभी ये कोई मैन ड्रीम बीच लेके जा रहे हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से नॉर्थ गोवा में हमारे होटल के आसपास में ही होगा। और यही करा हमने अभी तक, यहाँ पे पूरा दिन निकल गया और वाटरफॉल देखा, अभी लंच भी नहीं किया। तो फिर वहाँ जाके हम कुछ कैफ़े वगैरह देखेंगे, वहाँ पे कुछ लंच वगैरह करेंगे, और बीच में अगर सनसेट होगा तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा आज, तो लेट्स सी, देखते हैं अभी। फिलहाल चलते हैं। यहाँ पे हो गया ना अभी एक्सीडेंट, बहुत तगड़ा वाला, बच गए, कुछ लगा नहीं भाई, बच गए। ये देखो फूट गया, दो सांड आए, दो डंडे लगे, हमारी तरफ आ एकदम से गाड़ी पूरी स्लिप हो गई। अच्छा हुआ हमारी गाड़ी स्लो थी भाई, बच गया भाई। ओके गाइस, फाइनली सुबह से इतना घूमने के बाद 11 बजे से घूम रहे हैं, वहाँ शाम के बज गए 4:30, और अभी तक फीलिंग ही नहीं आ रही थी, हम गोवा पहुंच गए। अब जाके फाइनली एक बीच के पास पहुंचे हम, जिसका नाम है मैन ड्रम बीच, और वहाँ पहुंचने वाले हैं हम अभी, इसलिए हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से, पहुंचने वाले हैं। तो भाई सुबह से जाके अब किसी रेस्टोरेंट में रुके हैं, यहाँ पे शाम के 5 बज गए, कुछ खाया नहीं है अभी, कुछ नहीं पिया, कुछ खाया भी नहीं है भाई, पता नहीं कैसे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रुका। अब जाके हम बीच में ही पहुंच गए, और यहाँ पे कुछ पहले खाएंगे, उसके बाद सनसेट का टाइम होगा तब जाके हम बीच में जाएंगे। ठीक है, तो ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए फिर से यार, है ना। तो ये है हमारा रेस्टोरेंट जहाँ पे अभी रुके हैं हम खाना खाने, लंच करने अब रुक रहे हैं 5 बजे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये है रेस्टोरेंट, तो गाइज ये आई है अपनी वेज बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा है, 2 बंदे शेयर कर सकते हैं, और रायता और ये प्याज, मज़ा आने वाला है। और शाम के 6 बजने वाले हैं, अब जाके हमने खाना खा रहे हैं यार, बहुत देर
ठीक है फिलहाल फटाफट से खाता हूँ, भूख लग रही भाई बहुत। भाई शाम के 7 बजे और बीच के बगल में बैठे हैं, और यहाँ आने के बाद ही बीच नहीं गए अभी तक हम, बताओ यार अभी तक बीच नहीं गए हम, बताओ यार यहाँ पे तब से खाना खा रहे हैं 2 घंटे से, आज बहुत लेट हमारा खाना आया इसलिए यहाँ पे लेट हो गई थी, अभी जा रहे हैं बीच। और हवा चलने लगी बहुत तेज़ी, सामने देख रहे हो आप, सामने बीच है अपना, तो यहाँ जाएंगे अभी जस्ट, फिर देखते हैं क्या है। अब तो भाई बारिश का मौसम बन रहा है बहुत गंदा वाला, इससे पहले कि बारिश से हमें वापस में निकलना है उससे पहले जल्दी से हम बीच निकलते हैं। ओके हनी यार, वो लोग कहाँ चले गए, मैं तो बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है, तो मैं यहाँ पे रुका था रेस्टोरेंट में, एक भाई मिल गए थे अपने हिमाचल से थे वो कुल्लू से, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे रोक दिया था कि आप यहीं पे रुक जाओ, बारिश हो रही है मत जाओ, बारिश रुक गई तो जाना, और 5 मिनट बाद ही बारिश रुक गई भाई, तो मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से आराम से जाऊँगा, बारिश में भीगूंगा नहीं उनकी तरह, पता नहीं कहाँ पे खड़े होंगे चले गए होंगे, देखता हूँ अभी। हाँ फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम, लास्ट टाइम मैं जब मुंबई में था बहुत टाइम, मतलब 4-5 साल पहले, तब जाकर मैं बीचेस में आया था, आज दोबारा फिर से एक बार बहुत लंबे समय के बाद, लंबे अरसों के बाद हम आए हैं बीच में भाई, समुंदर में आप पहुंच चुके हैं हम, तो भीड़ थोड़ा कम है यार, इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, सुंदर भाई सुंदर, मज़ा आ गया। तो आज का दिन भी ख़त्म होने वाला है, इवनिंग रात पड़ने वाली है, हम यहाँ से वापस जाएंगे अपने होटल में, और वहीं फिर अपना पूरा दिन ख़त्म, और पूरे दिन से घूम रहे हैं, और अब जाके हम बीच में पहुँचे हैं, सुबह से लेके अब जाके बीच बीच में आ रहे हैं भाई, बताओ कितना टाइम बाद, और अब वो भी वहाँ पर भी हमने 2 घंटे वेस्ट किए, अपने 2 घंटे बैठ रहे, और अब जाके हम बीच में पहुँचे हैं, तो टोटल फुल मिला के मज़ा भी आया, थ्रिल भी हुआ और एडवेंचर भी हुआ, कहीं गिरे लपटे भी एक दो बार, फुल फाइट चल रही थी भाई, यहाँ पे साउंड की लड़ाई चल रही थी आपस में, तो वहाँ पे गिरे लपटे भी, आपको आगे दिखा दो समुंदर का भी। ओके तो हाँ जी, तो गाइस भाई लोग फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंच चुका हूँ, अभी रास्ते में बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश, मतलब 3-4 बार भीगा और 3-4 बार सूखा मैं आज, तो ऑल ओवर, मतलब अभी जस्ट हम सब लोग रूम पे पहुंचे, स्कूटी वगैरह खड़ी करी हमने एक जगह में, तो स्कूटी लटक भी गई थी नीचे, उसका शीशा फूट गया, तो एक नया शीशा डलाया स्कूटी पे, रेंट की गाड़ी है तो नया शीशा डला के लाया, तो अभी मैं अपने रूम पे पहुंच चुका हूँ, जस्ट नहाया अभी ना कि जस्ट, पहले बहुत थकान लग गई थी, पूरा गीला और कचा था, तो मैंने कुछ फ़ोन वगैरह गीला थे मेरे, तो ब्लॉगिंग वगैरह भी नहीं करवाया रास्ते में आते हुए बारिश के टाइम पे, तो ऑल ओवर आज का दिन बहुत बढ़िया था, मज़ा आया, बीच देखा आज हमने, एक मैनड्रम बीच देखा और कैफे वगैरह देखे वहाँ पे दो बहुत अच्छे अच्छे, बाकी एक वाटरफॉल गए थे ना अच्छे, जैसे कि आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा, तो फिलहाल अभी यहीं बैठा हूँ मैं रूम पे, अपने चाय वगैरह बनाता हूँ, यहाँ पे मेरा सामान भी आ गया चाय कॉफ़ी बनाने के लिए, तो चाय बनाऊंगा अपने लिए, फिर आराम से चिल मार के थोड़ा बैठूंगा, फिर मिलते हैं डिनर पे, और उसके बाद सोते हैं, फिर सीधा कल मिलेंगे अभी, ठीक है। ओके भाई लोग, तो बहुत देर का वेट करने के बाद इन लोगों को पता था कि हम डिनर यहाँ करेंगे, तो भाई लोगों ने डिनर बनाया था, अब हमारे लिए डिनर बनाया इन लोगों ने, तो कुछ लोग यहाँ पे नॉनवेज वाले हैं, जैसे कि मुकुल, कोई तो है नॉनवेज वाला, मुकुल है नॉनवेज वाला, हम 4 हैं, हम वेज वाले हैं, तो हमारे लिए वेज दोबारा बनाया गया है अभी, तो डिनर करने पहले अपना यार।
ओके भाई लोग, तो अभी हम आए डिनर करके अपना। रात के यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं 12:30 टाइम हो गया अभी। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है और उठ के फिर शूट है, जो भी शूट होगा कल देखना पड़ेगा क्या शूट है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मैम ने कहा था जल्दी कल तुम्हें जल्दी उठना है सब लोगों को। तो अभी बहुत लेट हो चुकी है, रात हो चुकी है और अब जल्दी सोता हूँ कि 12:30 से ऊपर टाइम हो गया है। रूम पे सब अपने रूम पे हैं और मैं भी अपने रूम पे आ चुका हूँ। अभी मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, तो फिर कल नया दिन, नई शुरुआत, नई जर्नी, नए एक्सपीरियंसेस, मज़ा आएगा। तो सी यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। ओके, नींद बहुत आ रही है, अभी ब्लॉग एडिट करना है, तो सुबह मिलता हूँ आप लोगों को। लव यू गाइस, बाय। अमेजिंग डे, मज़ा आया आज, बहुत अच्छा दिन था, इट वॉज़ रियली नाइस डे, थैंक यू।